नमस्कार, आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने जीवन के विभिन्न आयोजन जैसे मुंडन, नामकरण, विवाह, नए वाहन को खरीदना, होली, दीपावली, दशहरा जैसे विभिन्न त्योहार भारतीय पंचांग के अनुसार मनाते हैं, और इसी क्रम में आज हम अपना पहला त्योहार भारतीय नववर्ष का उत्सव मना रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। आज ही के दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया, अतः आज ही सतयुग का प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। भारतीय नववर्ष के आगमन का संदेश प्रकृति का कण कण देता है। पतझड़ खत्म होता है और बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। आमों पर बौर आने लगती है। वृक्ष, पेड़ पौधे अपनी पुरानी पत्तियों से मुक्ति पाकर नवीन पत्तियों और कोपलों से पल्लवित होने लगते हैं। इसी समय बर्फ पिघलने लगती है और प्रकृति का नौ श्रृंगार होता है। हर जगह हरियाली छाई रहती है। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था एवं धर्मराज युधिष्ठिर का राजतिलक भी भारतीय नववर्ष के दिन ही हुआ था। भारतीय नववर्ष के दिन ही भारत के कई हिस्सों में गुड़ी पड़वा और युगादि पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। महाराजा विक्रमादित्य ने बाह्य आक्रमणकारियों को परास्त कर आज ही के दिन राष्ट्र को सुसंगठित कर विश्व के अनेक हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया। भारतीय नववर्ष के दिन को आधार रखकर गणना करते हुए पंचांग की रचना की गई है, जो कि विभिन्न ग्रहों, चंद्रमा एवं सूर्य की गति एवं दिशाओं का उतना ही प्रामाणिकता से निर्धारण करता है जितना आधुनिक युग के सैटेलाइट। भारतीय नववर्ष दो ऋतुओं के संधिकाल का समय है। इसमें रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। ठंड समाप्ति की ओर होती है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ अत्यंत ही आनंददायक और मधुर अनुभव देता है। माँ दुर्गा की उपासना का नवरात्र व्रत आज के दिन से ही शुरू होता है। इसे आध्यात्मिक एवं मानसिक शक्ति संचय के पर्व के रूप में जाना जाता है। इन सब के अतिरिक्त फसलों के पकने एवं कटाई का मौसम भी यही होता है। किसान अपनी मेहनत का मूल्य पाकर नव वर्ष का उत्सव मनाते हैं। शिक्षक संप्रेषण मंच की ओर से आप सभी को पुनः भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। धन्यवाद।